जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। लेट्स बिगिन द रीडिंग। धनु राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा जा सकता है? ओके, सेजिटेरियस पीपल, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू नो लाइक आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, या किसी ने अपनी इमोशंस को बरी कर लिया है, ठीक है, अपने अंदर दबा लिया है, एंड हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कुछ है। इट्स लाइक या आपके पर्सन और आपकी कभी कभी बात होती है, या मे बी आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यू नो मिस करते हैं या चाहते हैं ऐसा रिलेशनशिप, लाइक इट शुड बी लाइक इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। एंड थोड़ा सा मुझे ये दिखाई दे रही है बट ईगोइस्टिक एनर्जी, चाहे आपके पर्सन की साइड से हो, आपकी साइड से ईगो क्लैशेस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर में। ये चीज़ें हो सकती हैं या कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, या दे आर ऑल्सो लिटिल स्टर्बन, मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, चाहे उनका काम हो, चाहे घर वाले हों, चाहे बच्चे हों, कुछ भी हो, वॉट एवर। तो ये चीज़ें हैं डेफिनेटली ब्रोकन हार्टेड एनर्जी। ये जो पर्सन है ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपको बोला कि ईगो क्लैशेज हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, ये डेफिनेटली कोई बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट मूव आप अगर मुझसे पूछें तो आई डोंट थिंक आपके जो पर्सन है दे आर रेडी टू मेक एनी मूव। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट आउटकास्ट अपने आप को, लाइक किसी का बस नहीं चल रहा, या मे बी कोई चाहता है कि चीज़ें फटाफट से ठीक हो जाएं या स्मूथ हो जाएं या वट एवर, या कोई एक्शन लेना तो चाहता है, लेकिन अपने आप को ये जो पर्सन है इन्होंने अपने आप को आउटकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। या इट्स अबाउट वेटिंग फॉर समथिंग, इट्स अबाउट यू नो चेकिंग, फाइटिंग इन द कनेक्शन, फाइटिंग फॉर कनेक्शन, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। और आने वाले टाइम में भी मुझे ये दिखाई दे रही है लाइक लिटिल, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक और चीज़ अच्छा मुझे दिखाई दे रही है कि इस हफ्ते शायद यू नो लिटिल बिट लाइक कन्फ्लिक्ट से बचिए आपस में। अगर आप मैरिड हैं या कुछ मे बी डीलिंग विद पार्टनर, तो आपस में जो कन्फ्लिक्ट है उससे आपको बचने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं करियर की। करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है? ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल दैट समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक, और मे भी हो सकता है कि आप यू नो कुछ चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं। आप करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन हो रहा है ऐसा। इट्स अबाउट कोडिपेंडेंसी, इट्स अबाउट यू नो चीज़ें होल्ड पे हैं, और मनी इशूज़, यू नो लाइक आप अर्न तो कर रहे हैं लेकिन लाइक एक नई शुरुआत चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि चीज़ें लाइक यू वांट टू वर्क, आपके आइडिया आ रहे हैं बट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो रही है। एंड यस, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं आप, आपको लगता है कि कहीं ये आपके हाथ से ना निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। जगल कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आप यू नो मैनेज कर रहे हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। कुछ ना कुछ है, मे बी इट्स अबाउट लाइक आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, लाइक कहीं आपके यू नो पैसे, लाइक अगर आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, या अगर आप किसी को मनी यू नो लाइक आपके आपके कोई है, कोई फ्रेंड है, कोई है, आप उनको मनी दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए, ठीक है, कि कौन है, किसको आप दे रहे हैं पैसे। ये चीज़ें हैं लाइक लेंडिंग मनी इफ़ यू आर, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर नॉट, आप सेटिस्फाइड नहीं है कहीं ना कहीं कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं रिलेटेड टू योर करियर। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल? ओके, अगेन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वी हैव ओके फॉर ऑल द पीपल। आज जिनकी भी मैंने रीडिंग अभी तक की है, मुझे ऐसा लगता है वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अबाउट
चेंज, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वेट करना होगा बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल। मान लीजिए कि अगर आप टेंशन ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि अभी से चीज़ें एकदम से अभी सॉर्ट आउट हो जाए, तो मे बी यू नो इट मे टेक सम टाइम, लेकिन चीज़ें होंगी। एंड मोर ओवर, कुछ लोगों के लिए एक और चीज़ मुझे आ रही है, करियर वाइज ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए, या मे बी ये भी चीज़ हो सकती है, मान लीजिए लाइक सोच समझ के अपने पैसों को, यू नो लाइक कहीं आप ऐसा ना हो कि बाद में रिग्रेट करें। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यू नो लेजी, लाइक मान लीजिए कि आप कहीं स्पेंड कर रहे हैं और फिर आप बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग हो गई है, ओवर खर्चा हो गया, यू नीड टू गो वेरी फार, तो अपने यू नो पैसों को बचाइए, सेव कीजिए, वॉट एवर। एंड इन लव कनेक्शन ऑल्सो इट्स अबाउट यू नो लाइक धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, इट विल टेक सम टाइम, मे बी कुछ चीज़ें हैं, देयर आर गिल्ट, आप मुझे लगता है बहुत चीज़ें अपने मन में बहुत सोचते हैं, ऐसा क्यों कर लिया मैंने, वैसा क्यों कर लिया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हुआ, सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस। ठीक है, चलिए ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए और मुझे कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स, सो थैंक यू सो मच, बाय।